तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज एक नया फॉल्ट लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं जो कि ज़बरदस्त टाइप से फॉल्ट है। और ये फॉल्ट की वजह से आप लोगों की बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जो और भी पार्ट्स लगे हैं, उनको भी नुकसान करता है। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं जो किट रखा हुआ है, ये वाला किट को मैं एक बार रिपेयरिंग किया था, है ना। तो टी वी को तो ऑन कर दिया था दोस्तों, पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रैक आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो ट्रैक दिख रहे हैं जो कि आपस में टच नहीं है बिल्कुल, फिर भी यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा था, है ना। ऐसा लग रहा था कि आपस में ये दोनों टच हैं, है ना, पर उस टाइप से नहीं था दोस्तों। और यहाँ पे जो छील के देखा तो और ऑन किया तो फिर यहाँ पे स्पार्किंग करने लगा आपस में, है ना, शॉर्ट जैसे चिंगारी आने लगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरे को लगा कि कहीं हो सकता है कि टच हो। तो इधर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कनेक्शन दोस्तों मैं किया हूँ, ट्रैक को हटा दिया, ठीक है। ट्रैक को हटाने के बाद देख पा रहे हैं ये वाला जो वायर था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा है छोटा सा देख पा रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ट्रैक को पीछे के जो ट्रैक गया था उसकी जगह में मैं इसको डाल दिया ताकि स्पार्किंग ना करे, ठीक है। यहाँ पे स्पार्किंग से बचने के लिए मैं इसको इस तरह से सोल्ड कर दिया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है ये देख पा रहे हैं, जो कि इसमें कैमरा में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस उठा हुआ है इसको एक छोर को मैं निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया ये जो पतला सा वायर था। और ये वाला वायर दोस्तों जो ट्रैक को हटा के जो ट्रैक के जरिए आया था वो है यहाँ पर, और यहाँ से भी ट्रैक लगा था जो कि इसको भी ट्रैक के जरिए नीचे के ट्रैक को हटा के उसके बाद यहाँ पे एक ठो जो रेजिस्टेंस लगा है देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं फिर भी देखा तो स्पार्किंग करने लगा, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये ABL सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी जगह में मैं इधर से ना लगा कि इसको इधर से लगाया, ये देख पा रहे हैं जो कि जल चुका है, ये देख पा रहे हैं यहाँ से पीछे की ओर से मैं इसको यहाँ से यहाँ सोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी ये चल गया, है ना। और आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि काला काला दिख रहा है, ये धुआं है, धुआं यहाँ भी स्पार्किंग कर रहा था शायद, है ना। और जैसे मैं इसको कनेक्शन किया दोस्तों, उसके बाद टी वी ऑन हो गया, ठीक से चल रहा था, जबकि उसके बाद मैं कस्टमर को इसको दिया लगाने के लिए, मैं खुद जाके कस्टमर के यहाँ लगा के आया। उसके बाद टीवी अच्छी तरह से चल रहा था दोस्तों, है ना, पर इसमें जो प्रॉब्लम आया दोस्तों वो तब पता चला जबकि फिर से मेरे को कस्टमर फ़ोन किए और बोले कि भाई एक दिन एक दो दिन चलने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गया है, टीवी बंद हो चुका है, है ना। तो टीवी बंद हुआ है दोस्तों, तो उसके क्या कारण था, और जब मैं इसको लाया अपने पास तो यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है दोस्तों उसको मैं चेंज किया, ठीक है, जो कि शॉर्ट हो चुका था, आप देख पा रहे हैं शॉर्ट हो चुका था जो कि 2499 का इसमें लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं सीरीज में इसको डाला दोस्तों, मेन वायर को डालने के बाद यहाँ पे अपने को चर चर की आवाज़ आने लगी, ठीक है, चर चर की, जैसे कि कंपन जैसे, है ना, CST बनता है तो जो ससराहट आती है, तो मैं उसको देखना चाहिए कहाँ से वो आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में जैसे कि टच कर रहा था तो यहाँ हिल रहा था, जैसे कि आपको पता होगा स्विचिंग करता है तो जो आवाज़ आता है उस टाइप से, है ना। और फिर यहाँ भी किया, ESD को देखा तो ESD में ज़्यादा कंपन महसूस हुआ, तो मेरे को लगा कि ESD ख़राब है, है ना। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल अभी ESD को चेंज कर दिया, देख पा रहे हैं पूरी तरह से अच्छी तरह से, और ESD को चेंज कर दिया हूँ जो कि मैं दूसरे किट से निकाल के लगाया हूँ, है ना, ठीक है दोस्तों। दूसरे किट से निकाल के लगाया हूँ और इसका जो अधूरा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है, और अपने को दोस्तों जो ये वाला रेजिस्टेंस है कुछ चेंज करना है, और यहाँ पे जो भी चला हुआ है एक ठो रेजिस्टेंस और भी जला हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला जला हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हम लोग जो ट्रैक पीछे की ओर से जो ये वायर पीछे के वायर को कनेक्शन जो किए हैं इसको हम लोग ट्रैक के जरिए ही करेंगे, है ना। तो दोस्तों ESD का इस तरह से निकालने के बाद ही मेरे को पता चला, अभी फ़िलहाल ही पता चला, और इस टाइप से जो प्रॉब्लम था दोस्तों आज मैं पहली बार इस टाइप से देखा हूँ ESD को, कि ESD फूल के फट जाता है, ठीक है,
मेरे पिछले वीडियो में भी कुछ कस्टमर जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, वो कमेंट किए थे कि भाई ESD फट जाता है ना। तो अपने लाइफ में पहली बार इस टाइप से वीडियो देख रहा हूँ, यानी कि फट देख रहा हूँ, जो कि ESD वास्तव में ही फट जाता है ना। तो अभी तक देखा नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है। तो करीब मेरे को 10-12 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते, लेकिन कभी भी इस टाइप से मैं नहीं देखा। तो वास्तव में मैं उसी ESD को दिखाना चाहता हूँ जो कि फट चुका है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वही ESD है जिसको मैं चेंज किया हूँ। देख पा रहे हैं एकदम फुल चुका है, और इसका जो लेबल है देख पा रहे हैं दोस्तों 10-10A का है ना, जो कि लोकल है। और ये फुल के यहाँ से देख पा रहे हैं निकल चुका है। तो इस टाइप से भी फुलता है, लेकिन मैं जब इसको निकाला उस समय भी पता नहीं चला। जब नंबर इसका देखने लगा तब मेरे को पता चला कि इसका ESD फूल गया है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ESD यदि ख़राब होता है तो अनेक प्रकार के फॉल्ट आते हैं, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि ESD की वजह से ही आप लोगों का AVL वाला सप्लाई बढ़ गया था, जिसकी वजह से कि रेजिस्टेंस ख़राब हुआ और यहाँ का जो कालापन पड़ गया वो भी उसी की वजह से हुआ है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैक जो है स्पार्किंग कर रहा था उसी की वजह से कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जब भी यहाँ पे करंट बनने लगता है तो बाहर की ओर फेंकने लगता है, करंट इधर उधर फेंकने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का यहाँ जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, ये यहाँ से भी आप लोगों का करंट निकलना चालू हो जाता है, जो कि किट में चारों तरफ फैला देता है ना। और इसके जो वाइंडिंग होते हैं दोस्तों, वाइंडिंग होते हैं आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज निकलने लगता है, जो कि आप लोगों का AVL सप्लाई बढ़ गया होगा, या तो फिर 180 वोल्ट बढ़ गया होगा, या तो कुछ भी दोस्तों है ना। और ये हाई वोल्टेज जो दोस्तों जाता है यहाँ पे जो मेन IC में, तो मेन IC से होते हुए जाता है, तो मेन IC को उड़ा पाया है कि नहीं, ख़राब कर पाया है कि नहीं कर पाया है। तो उससे पहले हम लोग ये जो AVL सप्लाई जो है इसके रेजिस्टेंस इसको चेंज करेंगे, और यहाँ के जो रेजिस्टेंस जले हुए हैं उनको भी चेंज करेंगे साथ ही दोस्तों। और जो इसमें जो बेस लगा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बेस, ये बड़ा बेस है ना, बड़ा लेंग का। तो अपने को यहाँ पे छोटा वाला, जो कि मेरे पास पीछे ट्यूब अभी जो है छोटा बेस का है, तो मेरे पास ये वाला जो है छोटा बेस का है ना, छोटा लेंग का, इसको हम लोग इसमें फिट करेंगे। उसके बाद फिर अपना पिक्चर ट्यूब जो छोटा बेस का पिक्चर ट्यूब है उसमें फिट करते हैं, उसके फिर बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे जो अपना है वो मेन IC भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो AVL सप्लाई था जो उसमें हाई निकलने लगा, और यहाँ से जो भी आप लोगों का 180 वोल्ट जो निकलता है वो भी हाई निकलने लगा, जो कि ESD के ख़राब के वजह से हुआ है ना। तो अधिकतर प्रॉब्लम दोस्तों अपने को यदि ESD ख़राब होता है और हाई वोल्ट निकलता है, तो अपने को मेन IC में नुकसान होता है, और मेन IC ख़राब होने का चांस रहता है। तो दोस्तों हम लोग पिछले बार जो है वो समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे क्यों स्पार्किंग कर रहा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वायर के जरिए कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो अब की बार देखते हैं दोस्तों कि ये पूरे पार्ट्स को लगा के और ESD को भी चेंज कर दिया है ना। ESD को चेंज करने के बाद फिर इसको चेंज करते हैं, और यहाँ को चेंज करते हैं, और जो जितना जम्फर जोड़े हैं उनको हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग ऑन करके देखते हैं, यदि ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना ये मेन IC ख़राब हो सकता है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और इस टाइप से फॉल्ट यदि आप लोगों के साथ भी आया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी देखेंगे कि ESD इस तरह से फूल जाता है ना, जो कि बहुत बुरी तरह से फूला हुआ है। और इसका जो लेबल है उसको निकाल देता हूँ, देख पा रहे हैं किस टाइप से फूला हुआ है, फूल के यहाँ से निकल गया है फट के, है ना। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अभी हम लोग इसको चेंज करता हूँ मैं, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ है ना, और पिक्चर सही आता है कि नहीं उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, थोड़ा सा बस वेट करते हैं, करवाएंगे है ना। तब तक मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो कि मैं छोटा बेस जो बोल रहा था उसको इसमें सेट कर दिया हूँ, जो कि बड़ा वाला था ये निकाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं। और ये छोटा पिक्चर ट्यूब करने के इसमें पतला वाला लगता है। और मैं आप लोगों को इधर से दिखा दूँ कि जो मैं किया था, जिसको किस वायर द्वारा जम्फर किया था वो वाला, देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको मैं सीधा करके लगाया है ना, जो जल गया था उसकी जगह मैंने इसको लगाया है। और यहाँ पे जो दोस्तों जो वायर जुड़ा था उसको मैं निकाल दिया हूँ,
प्लस यहाँ पे दोस्तों जो वहाँ से तार ला के यहाँ पे डाला था उसको भी निकाल दिया हूँ, और यहाँ से जो दोस्तों जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा था इसको भी निकाल दिया हूँ। और देखते हैं दोस्तों इधर की ओर से, तो आप किट को देख चुके हैं जो कि यहाँ पे जो जला हुआ था उसको यहाँ से यहाँ मैं उसकी जगह मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, और यहाँ का जो इसको उखाड़ दिया था है ना, जो कि यहाँ यहाँ का जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मैं वायर लेके डायरेक्ट इसको यहाँ पे डाला था, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ पे डाला था रेजिस्टेंस में, ताकि पीछे का जो ट्रैक है वो टच ना हो। तो मैं जैसा कि इसको वायरिंग कर चुका हूँ, और ये दूसरी पीछे टीवी है, अब हम लोग इसको लाइट में डालेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टीवी ऑन होता है कि नहीं। तो आप लोगों को बोला था कि दोस्तों हो सकता है कि इसका मेन ऐसे ही ख़राब हो चुका होगा, पर अब लगाने के बाद ही पता चलेगा, और हो सकता है कि इसमें और भी कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा है ना। तो जो भी परेशानी आ रहा था दोस्तों उसको हम लोग अभी लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये रहा अपना मेन बोर्ड, और इसमें मैं इसको डालता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसको डाल दिया हूँ, और ये टीवी दोस्तों ऑन हो चुका है, देख पा रहे हैं इसका हीटर जो है जल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों, जो कि हिल रहा है, ठीक है अभी देख पा रहे हैं हीटर जल रहा है। और सामने की ओर जाके देखते हैं दोस्तों कि क्या परेशानी, तो आप देख पा रहे हैं टीवी अच्छी तरह से चालू हो चुका है दोस्तों, और जो प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। और जबकि मैं फर्स्ट बार में जो दोस्तों यहाँ पे जो बताया था आप लोगों को कि स्पार्किंग कर रहा था, वो भी स्पार्किंग नहीं कर रहा था, और प्रॉब्लम था पहले भी दोस्तों जो प्रॉब्लम था तो वो ESD की वजह से था, ESD पूरा जल नहीं पाया था, जबकि इस बार पूरा जल चुका है ना। तो यही प्रॉब्लम था दोस्तों इसमें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ESD दोस्तों ख़राब होता है यदि बाई चांस किसी भी डिवाइस में, जैसे कि आप जानते हैं कि इधर जैसे हम लोग टच कर रहे थे है ना, पिछले बार टच किए तो यहाँ पे करंट आता था है ना, झिमझिमाहट टाइप से आता था, झनझनाता था, यानी कि ESD जब स्पार्किंग करता है दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए फट गया तो कुछ भी रीजन से कहीं लीक हो गया तो करंट बाहर यदि निकलता है तो चारों किट में सभी तरफ फैला देता है। और आप लोग DTH में भी देखे होंगे दोस्तों कि DTH में भी किट में आप लोगों का किसी किसी में करंट आ जाता है, तो यही रीज़न रहता है दोस्तों, कोई पार्ट्स आपस में शॉर्ट होके क्रॉस करते रहते हैं, यानी कि पास करते रहते हैं, और इसमें तो ESD की वजह से ही चार करंट सभी तरफ फैला दे दिया था है ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता है, तो इस बात का दोस्तों ध्यान दें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।